नमस्कार सिविल स्क्रीन में हूँ छू अपनी साथ दानवी माली नजर करिए फास्ट ट्रैक पर। अमरेली शहर में लांबा समय बाद देश गृहमंत्री और सहकार मंत्री अमित शाह अमरेली जिला की मुलाकाते आया तरह अमित शाह आज मध्यम सहकारी बैंक की साधारण सभा में हाजरी आपी। अमित शाह साथ केन्द्रीय डेरी पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला सहकार मंत्री जगदीश पंचाल प्रभारी मंत्री सी मकवाणा तथा उपस्थित रहा। अमित शाह कांग्रेस पर आक्र प्रहार कर तरह अमित शाह कहूं कि कांग्रेस राज में सहकारी डेरी ने ताला मारा। विधानसभा की चूंटणी नजीक आ रही है तरह वडाप्रधान मोदी फरी एक बार गुजरात की मुलाकात आवशे। वडाप्रधान मोदी 29 से 30 सप्टेम्बर फरी एक बार गुजरात की मुलाकात आए थी शक्यता है। अहमदाबाद में मोदी स्टेडियम में 36मी राष्ट्रीय रमतों उद्घाटन करते तरह आ साथ ज सूरत और भावनगर में सरकार की विविध योजनाओं लोकार्पण करते खातमुहूर्त करते। 30मी अहमदाबाद और अंबाजी कार्यक्रम में हाजरी आपशे। वडाप्रधान मोदी 17मी सप्टेम्बर जन्मदिवस है तरह माता हीराबा आशीर्वाद लेवा थी शक्यताओ है। खेड़ाना कथलाल नगरपालिका पूर्व प्रमुख प्रशांत पटेल पोताना समर्थकों साथे भाजपा जोड़ाया है तो समाजवादी पार्टी में आता था तरह 2012 और 2017 में नगरपालिका में समाजवादी पार्टी की बॉडी थी जो कि 2019 में भाजपे नगरपालिका पर कब्जो जमाव्यो तरह नड़ियाद भाजप कार्यालय कमलम खाते प्रशांत पटेल भाजपा केसरियो केस धारण करो तरह कथलाल नगरपालिका हाल कार्यरत 9 सभ्यों ने 200 जेटला कार्यक्रमों भाजपा जोड़ाया। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 3 दिवस गुजरात प्रवासे आवशे। आपना नेशनल जॉइंट जनरल सेक्रेटरी सुदान गढ़वीए माहिती आपता कहूं कि आज सांजे 7 वगे अरविंद केजरीवाल अमदावाद एयरपोर्ट पहुंचे तो आती अरविंद केजरीवाल 3 कार्यक्रम में हाजरी आपशे तरह वेपारी रिक्षा चालकों और वकीलों साथ अरविंद केजरीवाल बैठक करते। आ साथ अरविंद केजरीवाल की हाजरी में केटलाक नेताओं आप जोड़े तो अरविंद केजरीवाल परम दिवसे गुजराती ने वधु एक गेरंटी आपशे। अमदावाद नरोड़ा बोर्ड भाजपा कोर्पोरेटर विपुल पटेल उर्फ सोमभाई पटेल ने कोर्पोरेटर द्वारा नोटिस फटकाराई है तरह शासक पक्ष नेता भास्कर भट्ट द्वारा नोटिस आपने एक दिवस में खुलासो आप ताकीद कराई है। महत्व है कि अमदावाद नरोड़ा कोर्पोरेटर सामे उर्फ विपुल पटेल द्वारा अर्बन हेल्थ सेंटर में महिला डॉक्टर ने मोढ़ू पकड़ी ने पानी पीड़ा आता मामले पुलिस स्टेशन में पहुंचो तरह महिला की अरजी लीधा बाद छेड़ती सहित कलम हेठ गुनो नोधी ईसीएसटी सेल ने तपास सौंपाई छे। મહેસાણાના વડનગરની નવોદય શાળામાં આયોજિત કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। તેમણે વડનગરના વિદ્યાર્થીઓને શુભકામનાઓ પાઠવીને વિદ્યાલયમાં એડમિશન માટે ભલામણ આવતી હતી જે કોટા પણ રદ કરાયો છે અને દરેક વિદ્યાર્થીઓને સરખો લાભ મળે તે માટે આ નિર્ણય લેવાયો હોવાનું નક્કી કરાયું છે। તેઓએ કહ્યું કે વડનગરથી જતા વિદ્યાર્થીઓ હીરા બની જાય છે ત્યારે વડનગરના હજારો વર્ષ પહેલા હિન્દુત્વ બુદ્ધિઝમ તથા જૈન અને મહાભારત કાલીન શહેર 2500 વર્ષ જૂની જીવંત ઇતિહાસ છે તેને નરેન્દ્ર મોદી નહીં પેદા થાય તો કોણ થશે તેમ પણ તેઓએ કહ્યું હતું। રજિસ્ટર્ડ અનરેકગ્નાઇઝ પોલિટિકલ પાર્ટીઓના બોગસ ડોનેશનના કૌભાંડમાં 23 જેટલા પક્ષોએ 3 જ વર્ષમાં 4000 કરોડનું બોગસ ડોનેશન લીધું હોવાની માહિતી સામે આવી છે જેમાં આપના દેશ પાર્ટી લોકશાહી સત્તા પાર્ટી અને भारतीय राष्ट्रीय पार्टीओ 600 થી 700 કરોડ बोगस डोनेशन व्यवहार कर खुलासो थो तो 2021 दरोड़ा दरमियान आवकवेरा विभागे पार्टी पर कार्यवाही करी थी। पार्टी 2022 में फरी नवा नाम साथ सक्रिय थी हो कच्छना सांसद सामे ईडी में फरियाद थी होवानी घटना सामे आवी छे। सांसद विनोद चावड़ा पर आवक करता वधु संपत्ति आक्षेप करायो छे तरह आ साथ ज संसद निवास स्थाने तपास करवानी मांग कराई छे। અરવલ્લી મોડાસા ખાતે અર્બુદાસ સેનાનું મહાસંમેલન આયોજન કરાશે। મેઘરજ રોડ પર સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે મહાસંમેલનનું આયોજન તો સંમેલન પહેલા અર્બુદાસ સેના દ્વારા બાઇક રેલીનું પણ આયોજન કરાયું છે। આ સાથે અરવલ્લી મોડાસા ખાતે અર્બુદાસ સેનાના અધ્યક્ષ વિપુલ ચૌધરી અર્બુદાસ સેનાના કાર્યાલયનું ઉદઘાટન પણ કર્યું। વિપુલ ચૌધરી પૂર્વ ગૃહમંત્રી તેમજ અમૂલ ફેડરેશનના પૂર્વ ચેરમેન પણ છે। राज्य में एसटी विभागे प्रदूषण ने काबू में राखवा 2020-21 में BS6 मॉडल की 1000 बस की खरीदी करी थी तरह आ वर्षे 1000 नवी बस की खरीदी कामगीरी चाली रही है। बस बनावती कंपनीओ एसटी ने 2.5 लाख किलोमीटर और 2 वर्ष की वॉरंटी अपाई है तरह वॉरंटी पत्या बाद बस में कोई प्रकार रिपेरिंग करने स्कैन मशीन जोईए परंतु हज सुधी खरीदी कराई नहीं।
नसवाड़ी प्राथमिक शिक्षक संघना पांच होद्दा पर गुलाब पैनल नो विजय थयो छे। तेरे कुल 18 वोट आपीने शिक्षकोए मतदान कर्युं हतुं। तेरे गुलाब पैनल ने पैनल 2 पैनल 296 मत मळ्या हता, ज्यारे के मसाल पैनल ने 177 मत मळ्या हता। तेरे 645 माथी 567 शिक्षकोए मतदान कर्युं हतुं। जो के अन्य शिक्षकों रविवारनी रजा होवाथी वतननी वाट पकड़ी हती। जो के एक ज मतदान केन्द्र होवाथी शिक्षकोने कलाको सुधी लाइनमां उभा रहेवानो वारो आव्यो हतो। बनासकांठाना पालनपुरमां भारतीय किसान संघना तालुका प्रमुख मावजी लोहनी पोलीस अटकायत करी हती। त्यारे मावजी लोह सहित खेडूतो विसनगर खाते मंत्री ऋषिकेश पटेलना निवासस्थाने धरना करवाना हता। जो कि मावजी लोह खेडूतो साथे विसनगर जईने धरना करे ए पहेला पालनपुर तालुका पोलीस अटकायत करी हती। खेडूतोनी विविध मांगणीओना मुद्दे भारतीय किसान संघना होद्देदारो द्वारा धरना करवानुं आयोजन करायुं हतुं। राजकोटमां जूनी पेन्शन योजनानी मांग साथे सौराष्ट्रभरमांथी कर्मचारीओनी रेलीनुं आयोजन राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा द्वारा करवामां आव्युं छे। त्यारे विधानसभा चूंटणी पहेला कर्मचारीओ जूनी पेन्शन योजना लागू करवानी मांग साथे रस्ता पर उतर्या हता। तो राजकोटमां रेसकोर्स रोडथी कलेक्टर कचेरी सुधी रेली योजी जूनी पेन्शन योजनानी मांग साथे कर्मचारीओए सूत्रोच्चार कर्या। त्यारे 3 वखत सरकार साथे बैठक कर्या छतां पण कोई उकेल न आवता कर्मचारीओ उग्र विरोध करीने रेली योजी छे। वडोदरामां सरकारी कर्मचारीओ रेली काढी हती। सरकारी कर्मचारीओ विविध 16 मांगणीओने लईने सरकार सामे बचाव बायो चढ़ावी छे। त्यारे वडोदरा शहेरना जिला पंचायत खातेथी महारेलीनुं कर्मचारीओ द्वारा आयोजन करायुं हतुं। वडोदरा शहेर अने जिल्ला उपरांत आणंद, भरूच, छोटाउदेपुर सहितना तमाम जिल्लाना सरकारी कर्मचारीओ मोटी संख्यामां आ रेलीमां जोड़ाया हता। आ कर्मचारीओ सरकारी नीतिओनो विरोध करीने डीजे अने ढोल नगारा साथे महारेली योजी हती। वडोदरा जिला सेवा सदन कचेरी बहार पेन्शन मामले सूत्रों लखाया छे। त्यारे जिला पंचायत कचेरीना बहार रोड पर पुरानी पेन्शन स्कीम लागू करो तेम ओल्ड पेन्शन हक हमारा एनपीएस रद्द करो जेवा सूत्रों लखवामां आव्या छे। महत्वनुं छे के सरकारी कर्मचारीओ हाल जूनी पेन्शन स्कीम मामले वधु एक्टिव थया छे। त्यारे जूनी पेन्शन स्कीम फरीथी लागू करवानी मांग करी रह्या छे। त्यारे कर्मचारीओने रेली अगाउ मोड़ी रात्रे आ प्रकारना लखाणथी अनेक तर्क वितर्क सर्जाया छे। नांदोली गाम एएमसीमां मर्ज थवानी विचारणा सामे गाम लोको विरोध करी रह्या छे। त्यारे स्थानिको एएमसी भगाड़ो नांदोली बचावोना बेनरो लगावीने एएमसी सामे विरोध नोंधावी रह्या छे। त्यारे तमाम गाम लोकोनुं कहेवुं छे कि नांदोली ग्राम पंचायतमां गामनो विकास थई रह्यो छे। तो अमदावाद म्युनिसिपल कोर्पोरेशने 2 वर्ष पहेला 8 गाम एएमसीमां मर्ज कर्या छे, परंतु हजु सुधी सुविधा मळती नथी। અમદાવાદમાં રોગચાળો વકર્યો છે। અમદાવાદના વાયરલ ઇન્ફેક્શનની બીમારી વધી છે। ત્યારે તાવ, ઉધરસ, શરદીના કેસો સતત વધી રહ્યા છે। બીમારી વધતા દવાઓના વેચાણ પણ ધરખમ વધારો થઈ રહ્યો છે। દવાઓના વેચાણમાં 40% વધારો નોંધાયો છે। આ સાથે પેટની બીમારીની દવાની માંગ પણ વધી છે। ત્યારે એઝિથ્રોમાઇસિન, ટીનીડાઝોલ, મેટ્રોડીનાડાઝોલ તથા પેરાસેટામોલ સહિતની દવાઓનું વેચાણ વધ્યું છે। हळवद रुक्ष्मणी पार्क सोसायटी में भूगर्भ गटर उभराता रहीशोमां रोज जोवा मळ्यो छे। त्यारे सोसायटी में छेल्ला 6 महीनाथी गटर उभरावानी समस्या सर्जाई छे। रहीशो द्वारा अनेकवार रजूआत करवा छतां तंत्रना पेटनुं पाणी पण हलतुं नथी, तेमज उड़ता जवाब आपवामां आवे छे। त्यारे सोसायटीमां दुर्गंधयुक्त पाणीना कारणे मच्छरनो उपद्रव पण वध्यो छे, जेना कारणे रहीशोमां रोगचाळो फाटी निकळता दहેશત જોવા મળી છે। તાત્કાલિક ધોરણે આ સમસ્યાનો ઉકેલ ન આવે તો આગામી દિવસોમાં રહીશોએ ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારી છે। રાજકોટમાં પડેલા ભારે વરસાદથી ઠેર ઠેર પાણી ભરાયા છે, સાથે સિવિલ હોસ્પિટલના ઇમરજન્સી વોર્ડમાં પણ વરસાદી પાણી ભરાયેલા જોવા મળ્યા હતા। ઇમરજન્સી વોર્ડમાં વરસાદી પાણી ભરાતા દર્દીઓએ પરેશાની વેઠવાનો વારો આવ્યો છે। કચ્છના અંજારમાં ગાજવીજ સાથે 3 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો છે, જેથી અનેક રસ્તા પર વૃક્ષો ધરાશાયી થયા છે। અંજારના દેવળિયા નાકા બસ સ્ટેશન રોડ તથા માલાશેરીમાં વૃક્ષો ધરાશાયી થયા છે। અનેક રસ્તાઓમાં અવરોધ થયા હતા, ત્યારે ગંગાનાકા પાસે વીજ થાંભલો ધરાશાયી થયો છે। બનાસકાંઠામાં મોડી રાત્રે સાર્વત્રિક વરસાદ વરસ્યો છે, ત્યારે અમીરગઢ, કાંકરેજ, ડીસા, થરાદ, દાંતા, દિયોદર, પાલનપુર, ભાભર તથા લાખણી, વડગામ અને સોયગામમાં પણ વરસાદ વરસ્યો છે। જિલ્લાના સાર્વત્રિક વરસાદથી વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી છે। બનાસકાંઠાના પાલનપુરમાં ગતરાતે પડેલા ભારે વરસાદથી લોકોએ હાલાકી વેઠવાનો વારો આવ્યો હતો। ત્યારે 1.5 ઇંચ વરસાદ વરસતા પાલનપુર આબુ રોડ હાઇવે પર પાણી ભરાયા હતા। તો સામાન્ય વરસાદમાં પાણી ભરાતા વાહન ચાલકોને પરેશાની વેઠવાનો વારો આવ્યો છે, તો પાણી નિકાલની કોઈપણ વ્યવસ્થા ન હોવાથી વારંવાર પાણી ભરાઈ જાય છે।
મોરબીના વાંકાનેરના કોટડા નાયાણી ગામે વીજળી પડી છે ત્યારે એક મકાનની છત પર વીજળી પડતા ઇલેક્ટ્રિક વસ્તુઓ બળી ગઈ છે ત્યારે પીજીવીસીએલને જાણ કરવા છતાં કોઈ જવાબ ન મળ્યાનો મકાન માલિકે આક્ષેપ લગાવ્યો છે। अमेरिका ने नागरिकों साथे छेतरपिंडी आचरता शख्स ने अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम झड़पी पड़ो है। झड़पायेलो आ शख्स दिलीप चौधरी मूल राजस्थान वतनी है। नवरंगपुरा में वसवाट करे टाइटेनियम हाइट्स में कैपिटल केरना नामे बोगस कॉल सेंटर चलात हो तरह अमेरिकन नागरिकों ने स्पेक्ट्रम टेलिकॉम कंपनी ने ओख आप कोईपण प्रकार टैक्स विना मात्र 76 डॉलर में फाइबर ऑप्टिकल इंटरनेट और अनलिमिटेड कॉल आप बहाने छेतरपिंडी आचरत हो। एक लैपटॉप एक कम्प्यूटर छ मोबाइल तथा एक मैजिक डिवाइस बे हार्ड डिस्क तमज पांच पीओएस मशीन और 9 सिम कार्ड जप्त कराया छे। સુરતની સચિન જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં રસાયણ બનાવતી કંપનીમાં લાગેલી પ્રચંડ આગમાં એક વ્યક્તિનું મોત થયું છે ત્યારે રસાયણ કંપનીમાં ગત રાત્રે બોઇલર બ્લાસ્ટ થતા પ્રચંડ ધડાકો થયો છે। આગ લાગી હતી અને આ ઘટનામાં અંદાજિત 10થી વધુ લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા છે ત્યારે એક વ્યક્તિનું મોત થયાના પણ અહેવાલ છે। 5 લોકોને સુરત નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડાયા છે અને 4 લોકોની હાલત ગંભીર હોવાનું મનાય છે।